A very good morning, students. Welcome back, SST online class. Students, we had already completed our 4 lesson of SST. Anna? Now, in this period, we are going to start a new lesson, which is lesson number 5, A Peninsular Plateaus. Okay? जो हमारे इंडिया के फिजिकल डिवीजन का एक पार्ट है ना, जैसे हमने जो लास्ट पीरियड था हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे को हम कौन से नाम से जानते हैं, थार डेजर्ट, यस, उसके बारे में पढ़ा था। अब चलो, हमारे इंडिया में हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, है ना, द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो देखो, सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 40। ओके, आर यू हियर? नाउ लुक एट द मैप। ओके, हियर आर गिवन, यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है बेटा, जो यहाँ पे ब्राउन कलर, ब्राउनिश कलर में है थोड़ा सा, उसमें से येलोइश ब्राउनिश जो कलर होता है, थोड़ा सा डार्क, उसमें दिया है। एंड जो आपको बीच में नाम, जहां पे मैंने पेंसिल रखी है, ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। अब देखो, हमने स्टार्ट नॉर्थ डायरेक्शन से किया था, तो नॉर्थ में हमारे इंडिया को क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन की बड़ी सी बॉर्डर है ना। देन उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन है, जहां पे हरियाली ही हरियाली है, बहुत सारे गंगा वहां पे आती है, ठीक है। देन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हमारे इंडिया की जो लैंड है वो मोस्ट ऑफ कवर है प्लेट्यूज से, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। देखो तो ये कितना बड़ा आपको ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन सी नदियां यहाँ से बहती है, तो इन सब के बारे में आज हम इस लेसन में जानेंगे, जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ओके, तो क्या रीड करने वाले हैं हम लेसन में, वी विल रीड अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, कहाँ पे है, द डिवीजन एंड फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, वो कौन कौन से उसके डिविजन्स है, उसके फीचर्स क्या है, ये सब हम जानेंगे, एंड द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, और इस पेनिनसुलर प्लेट्यूज में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस लेसन में जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट आई विल रीड एज वेल एज एक्सप्लेन यू। ओके, नाउ स्टार्ट। अ प्लेट्यूज इज अ हाई लैंड विथ अ फ्लैट टॉप। क्या होता है प्लेट्यूज, अ प्लेटू इज अ हाई लैंड, हाई लैंड मतलब ऊंची उठी हुई जमीन, जो जमीन से थोड़ा ऊपर है, नॉर्मल लैंड से थोड़ा ऊपर है, हाई लैंड विथ अ फ्लैट टॉप, और उसका जो टॉप है वो कैसा है, वो फ्लैट है। जैसे आपने टेबल देखा है, हमारे घर में टेबल होता है ना, वो कैसा होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, एंड उसका जो टॉप होता है वो कैसे होता है, फ्लैट होता है ना। तो प्लेट्यूज भी सेम वैसे ही है, अ प्लेटू इज अ हाई लैंड, प्लेटू क्या है, एक हाई लैंड है, जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है जमीन का टुकड़ा, एंड फ्लैट टॉप, उसका जो टॉप है वो कैसा है, एकदम फ्लैट है, उसकी कोई चोटी नहीं है, ना कोई हिल्स है। ओके, आर यू अंडरस्टूड, इट रिसेम्बल्स अ टेबल टॉप, और वो कैसे दिखाई देता है, अगर हम उसको देखे जाए ऊपर से, हम उसको देखें तो वो कैसे लगता है, टेबल टॉप, जैसे हमारे टेबल का टॉप होता है ना, वैसे ही। हेंस इट इज आल्सो नोन एज टेबल लैंड, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, अब हमने नॉर्दर्न प्लेन देखा था, जो कहाँ पे था, यस, ये पेनिनसुलर प्लेटू के एकदम ऊपर, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेन्स जैसे ही खत्म होता, सॉरी, नॉर्दर्न प्लेन जैसे ही खत्म होता है, उसी के साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में मतलब नीचे की डायरेक्शन में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज का एरिया है। ओके, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है, और वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारे इंडिया का, हमारी जो कंट्री है वो पेनिनसुलर प्लेट्यूज से ज्यादा कवर है। ओके,
They are broader in the north and become narrower as we move southward, giving it a triangular shape. देखो ध्यान से देखो, मैप में देखो, वेरी केयरफुली देखो क्या है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ से नॉर्थ से, ठीक है. अब देखो तो जरा, मैंने पेंसिल रखी है नॉर्थ में, उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखो मैं अभी हाथ से दिखाती हूँ आपको. जैसे जैसे हम नीचे 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 आते हैं नीचे नीचे, तो उसका जो साइज है साउथ की तरफ जैसे जैसे आते हैं, उसका जो साइज है वो कैसे हो जा रहा है, कम 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 होते जा रहा है, और उसको एक शेप आ गया जो शेप हम कहलाते हैं ट्राइंगुलर शेप. दिख रहा है ना आपको? यस. तो ये होता है पेनिनसुलर प्लेट्यूज का एरिया. ना दिस ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड, और ये जो ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड है, जमीन का ट्रायंगुलर टुकड़ा हुआ है, वो कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम द थ्री साइड, तीनों साइड से वो वाटर से कवर. ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर मैप में? हाँ देखो तो वेस्ट डायरेक्शन में ब्लू कलर है, ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू कलर है, साउथ डायरेक्शन में ब्लू कलर है. मतलब क्या है कि ये जो पूरा ट्रायंगुलर शेप है ये तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है, मतलब तीनों साइड में पानी ही पानी है ना. तो कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम द थ्री साइड्स एंड हिंस फॉर्म अ पेनिनसुला, और इन पानी के तीनों साइड में पानी होने के कारण इसको जो शेप आया है उसको तीनों साइड से क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, क्योंकि तीनों साइड में जिसके पानी होता है वो इस एरिया को पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है. द बे ऑफ बंगाल इज ऑन इट्स ईस्ट, आपको तो पता ही है कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, यस हमारे इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में है बे ऑफ बंगाल. एंड द अरेबियन सी इज ऑन इट्स वेस्ट, और अरेबियन सी कहाँ है, यस इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में है. एंड द इंडियन ओशियन इज ऑन इट्स साउथ डायरेक्शन, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन. यस तीनों साइड वाटर से भरा हुआ है, और बीच में जो जमीन का टुकड़ा है ट्राइंगुलर शेप का, जिसे कहते हैं पेनिनसुला. ओके नाउ द नेक्स्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. यस देखो तो जितना नॉर्दर्न प्लेन था, जितना हमारा नॉर्दर्न, उससे भी ज्यादा ये हमारा जो एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यूज का वो ज्यादा कवर है. यस दे स्ट्रेच फ्रॉम अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ. अगर हमने इसकी गिनती की कि ये कितना फैला हुआ है, तो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं और साउथ की तरफ आते हैं, तो 1600 किलोमीटर इसका फैलाव है. एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट टू वेस्ट में अगर हम देखे जाए तो 1400 किलोमीटर, ठीक है. द सरफेस ऑफ द प्लेट्यूज रीजन इज रॉकी एंड अनइवन, और इसका जो सरफेस है, सरफेस मतलब यहाँ की जो जमीन है ये कैसी है, रॉकी है, पत्थरों से घिरी हुई है, रॉकी है एंड अनइवन है, इक्वली नहीं है, कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है, कहीं पे उबड़ खाबड़ बोलते हैं जिसको, है ना, ऐसी है. ओके नाउ द नेक्स्ट पेज, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन ऑल साइड्स. अब देखो तो हम मैप में ही मैं समझाती हूँ आपको, ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज का जो एरिया है ये सभी साइड से हिल से सराउंडेड है. इसके सभी साइड में छोटे छोटे बड़े बड़े हिल्स आते हैं, ठीक है. अब कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन से हिल्स आते हैं उनके नाम हम पढ़ेंगे. द अरवली हिल्स, ये है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है. कहाँ पे है मैप में आ जाओ, ये देखो नॉर्थ वेस्ट बोला मैंने, ऊपर की नॉर्थ डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे देखो अरवली हिल्स दिख रहा है, मैंने पेंसिल की पिन पॉइंट रखा है ना. तो अरवली हिल नॉर्थ वेस्ट में है, देन राजमहल हिल नॉर्थ ईस्ट में है, ये देखिए मैंने पेंसिल फिर से यहाँ पे रखी है, राजमहल हिल है ना, नॉर्थ डायरेक्शन है और ईस्ट डायरेक्शन है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है. देन ईस्टर्न घाट कहाँ पे है, देखो तो ईस्टर्न बोला है तो नाम से ही जाना जाता है कि ये जरूर ईस्ट डायरेक्शन में होगा. तो देखो ये इतने बड़े
अक्षरों में लिखा है, ईस्टर्न घाट है ना, एंड द वेस्टर्न घाट जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन हमेशा आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है, हम तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नर्मदा इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द प्लेटूज। अब एक मेन पॉइंट है कि नर्मदा रिवर इस एरिया की जो मेन रिवर है, अंडरलाइन करो वहां पे, किसको करोगे, नर्मदा को, यस, जो मेन रिवर है इस पेनिनसुलर एरिया की, नर्मदा रिवर। ओके, द रिवर डिवाइड, ये रिवर क्या करती है, डिवाइड करती है, किसको डिवाइड करती है, द पेनिनसुलर प्लेटूज इंटू टू पार्ट्स। अब जो पेनिनसुलर प्लेटूज का इतना बड़ा जो एरिया है, इसके दो टुकड़ों में विभाजन कौन करता है, नर्मदा रिवर करती है। दीज आर द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। चलो मैप में आ जाएंगे, ठीक है, ये देखो, ये इतना बड़ा जो ट्रायंगुलर पेनिनसुलर प्लेट्यूज का एरिया है, इसको दो टुकड़ों में बांटा गया है, और इसके दो टुकड़े किसने किए हैं, तो जो मेन रिवर है यहाँ की, नर्मदा रिवर, दिख रही है आपको, देखो तो, यस, मुझे पहले दिखाई दी, ठीक है, ये देखो नर्मदा रिवर, और ये नर्मदा रिवर क्या कर रही है, इस पेनिनसुलर प्लेटू को दो टुकड़ों में, क्योंकि बीच में से नर्मदा नदी बहती है, और इसके दो टुकड़ों में उसको डिवाइड करती है। कौन कौन से है वो, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन हाईलैंड। ओके, तो अब जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड, जो नर्मदा रिवर ने दो टुकड़ों में बांटा गया है ना, वो हम देखेंगे। द रीजन टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इज आर कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड। नर्मदा रिवर के साउथ में, नर्मदा रिवर के नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, मतलब ऊपर में जो एरिया आता है वो है सेंट्रल हाईलैंड। द सेंट्रल हाईलैंड आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। और फिर इस सेंट्रल हाईलैंड के भी दो टुकड़ों को, उसमें दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, द मालवा प्लेट्यूज एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यूज, ठीक है। अब मालवा प्लेट्यूज देखेंगे, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड फॉर्म द मालवा प्लेटू। क्या कहा गया है, द नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न, ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न, ये डायरेक्शन हो गई, तो ये दिख रहा है आपको मालवा प्लेटू, मैंने पेंसिल रखी है, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्ट डायरेक्शन में एंड नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न में ये जो मालवा प्लेटू दिख रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, ठीक है, तो ये है फॉर्म द मालवा प्लेटू। इट्स एवरेज हाइट इज 500 मीटर एंड इट स्लोप्स नॉर्थ वर्ड। इसकी जो हाइट है मालवा प्लेटूज की, ये करीबन 500 मीटर है एंड इट स्लोप्स नॉर्थ वर्ड। और इसका जो उतार है, ठीक है, ये नॉर्थवर्ड, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, इधर है। द अरवली रेंज बाउंड इट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्य रेंज बाउंड इट फ्रॉम द साउथ। अब ये जो मालवा प्लेटूज है, इसके नॉर्थ वेस्ट में अरवली हिल्स है एंड विंध्य रेंज साउथ में है। तो देखो विंध्य, ये देखो यहाँ पे उसी के मालवा प्लेटू के नीचे ही, मतलब दोनों साइड से माउंटेन की रेंज है यहाँ पे, ठीक है, हिमालय माउंटेन जैसे इतने हाई नहीं, लेकिन यहाँ पे पूरा जो मालवा प्लेटूज को दोनों तरफ से माउंटेन रेंज है, ठीक है, इधर है ऊपर अरवली हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्य रेंज इट द साउथ। द रीजन इज रीच इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को अंडरलाइन करो, यहाँ का एरिया जो है मालवा प्लेटूज का, यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा पाई जाती है, विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑयल सीड, जो कि कॉटन की फसल के लिए एंड द ऑयल सीड की फसल, जो तेल भी बोलते हैं ना हम, जिसे तेल निकाला जाता है, उनके लिए बड़ी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे मालवा प्लेटूज में ब्लैक सॉइल बड़ी मात्रा में पाई जाती है। छोटा नागपुर प्लेटू, अब मालवा प्लेटू हो गया, अब छोटा नागपुर प्लेटू, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड फॉर्म द छोटा नागपुर प्लेटू। अब इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, बताती हूँ मैं, पहले इतना रीड कर लेती हूँ। द एवरेज हाइट ऑफ दिस प्लेटू इज अराउंड
100 मीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 600 मीटर। उसकी कितनी थी मालवा प्लेटूस की, 500 मीटर्स, एंड इसकी कितनी है, 600 मीटर्स। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, बॉक्साइट, आयरन, कॉपर, माइका एंड लाइमस्टोन। अब यहाँ का जो छोटा नागपुर प्लेटूज है, यहाँ पे मिनरल बहुत ज्यादा पे पाए जाते हैं। देखो तो मेरा छोटा नागपुर प्लेटूज कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में देखो, ये मैंने पेंसिल रखी है, छोटा नागपुर प्लेटूज, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल, जैसे कि कोल, कोयला, बॉक्साइट, आयरन, कॉपर, माइका एंड लाइमस्टोन, चुनखड़ी बोलते हैं जिसको। तो ये सभी इस एरिया में पाए जाते हैं, इस प्लेट्यूज में। तो ये हो गया जो नर्मदा रिवर ने दो टुकड़े डिवाइड किए थे, सेंट्रल हाईलैंड ऊपर का पार्ट और सेंट्रल हाईलैंड के भी दो डिवाइड टुकड़े, जिसमें मालवा प्लेट्यूज आता है एंड छोटा नागपुर आता है। अब जो नीचे का पार्ट है जिसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यूज, ठीक है। अब डेक्कन प्लेट्यूज पढ़ेंगे। टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर लाइज द डेक्कन प्लेटू। नर्मदा रिवर के साउथ का जो एरिया है उसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यूज। दिस प्लेट्यूज राइजेस 100 मीटर्स हाई इन इट्स नॉर्दर्न पार्ट एंड मोर देन 1000 मीटर्स इन द साउदर्न पार्ट। ये जो प्लेट्यूज है ये राइजेस मतलब उठा हुआ है 100 मीटर हाई, जमीन से जो होता है वो 100 मीटर हाई की ऊंचाई पर है एंड नॉर्दर्न पार्ट में, एंड मोर देन 1000 मीटर्स इन द साउदर्न पार्ट, और साउदर्न पार्ट में उससे भी ज्यादा हाई है, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा ऐसे कलता हुआ है ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। द सतपुड़ा रेंज लाइंग बिटवीन रिवर नर्मदा एंड रिवर ताप्ती, जिसे तापी भी कहते हैं, ठीक है, lies to the north of this plateau. It is surrounded by western ghat on the west and eastern ghat on the east. अब मैं ये आपको मैप में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट दिख रहा है आपको, ये ईस्टर्न घाट दिख रहा है, और इसके बीच का जो एरिया है ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यूज, ठीक है। अब डेक्कन प्लेट्यूज में जो नदियाँ हैं वो है यहाँ की जो मेन ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। ये यहाँ की जो, ये देखो ताप्ती रिवर जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में वेस्टर्न घाट है एंड द ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये जो नीचे का हमने पहले मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू नॉर्थ में देखा था, अब साउथ में, ठीक है, जिसे कहते हैं डेक्कन प्लेटूज, ओके। अब फिर है टू द, हो गया, द ईस्टर्न घाट आर नॉट एज हाई एज द वेस्टर्न घाट। जो हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ईस्टर्न घाट जो है आर नॉट एज हाई एज द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट उतना ऊंचा नहीं है जितना वेस्टर्न घाट है। मतलब क्या हुआ कि वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचा है। सम ऑफ द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर नीलगिरी हिल्स, अन्नईमलाई हिल्स, सह्याद्री हिल्स एंड कार्डामोम हिल्स। तो यहाँ पे वेस्टर्न वेस्टर्न घाट में जो हिल्स आते हैं उसके नाम दिए हैं, नीलगिरी हिल्स है, अन्नईमलाई हिल्स है, सह्याद्री हिल्स है, कार्डामोम हिल्स है। इनके नाम कभी सुने होंगे आपने, शायद नहीं भी सुने होंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वन सेकेंड, हाँ, अब पेज टर्न करें। शिवोरॉय हिल्स आर द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट, वेयर एज द अनामोडी पीक इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट। यहाँ पे जो पर्वतों के हाइएस्ट पॉइंट दिए हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट में है शिवोरॉय, वेयर एज द अनामोडी पीक इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट का है अनामोडी। द डेक्कन प्लेट्यू फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन flow from west to east and fall into the Bay of Bengal. अब डेक्कन प्लेटूज की जो रिवर है वो वेस्ट डायरेक्शन से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और बहकर जाकर कहाँ पे मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। रिवर नर्मदा एंड तप्ती आर एक्सपेक्शन एज दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फॉल इन टू द अरेबियन सी। देखो बाकी डेक्कन प्लेटूज की सब नदियाँ कहाँ से बहती है, तो वो बहती है
वेस्ट से लेकर ईस्ट में, और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। लेकिन नर्मदा एंड ताप्ती, यहाँ पे अंडरलाइन करो, नर्मदा एंड ताप्ती ये दो रिवर ऐसे है कि जो वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट में बहती है और जाके कहाँ पे मिलती है, अरेबियन सी में। केवल ये दो नदियां जो अरेबियन सी में मिलते हैं और बाकी की सब नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। ठीक है, रिवर इन द डेक्कन प्लेटूज आर नॉट एज माइटी एज द हिमालयन रिवर, दे आर सीजनल एंड रेनफेड। और यहाँ की जो नदियां हैं डेक्कन प्लेटूज की, ये जब बारिश का पानी आता है तभी भरती है, अदरवाइज वो पूरे साल भर उसमें पानी नहीं रहता है। बारिश आती है तो उसमें बाढ़ आ जाती है, और अगर बारिश नहीं आती है तो उसमें सूखा हो जाता है। जैसे हिमालयन रिवर ऑल टाइम बहती है ना, हिमालय रिवर से जो ग्लेशियर से जो नदियाँ आती है तो वो ऑल टाइम बहती है, लेकिन यहाँ की नदियाँ सीजनल होती है। दे समटाइम ड्राई अप इन समर, कभी कभी तो समर में वो पूरी सूख जाती है, एंड गेट फ्लडेड इन मानसून सीजन, और जब जोर की बारिश आती है तो उसमें बाढ़ भी आ जाती है। ऐसी यहाँ की नदियाँ हैं। टू कंट्रोल दिस सिचुएशन मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस दिस रिवर, दिस डैम स्टोर एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग मानसून एंड रेन ड्यूरिंग समर, दिस डैम प्रिवेंट रिवर फ्रॉम ड्राइंग अप। हमें तो पता है कि समर में कुछ नदियां सूखी जाती हैं, तब लोगों को पानी की दिक्कतें आ जाती है, तो इससे बचने के लिए, सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पे बहुत से रिवर पे डैम बांधे गए हैं, और वो डैम एक्स्ट्रा वाटर अपने पास स्टोर करके रखते हैं और उसका सप्लाई समर सीजन में करते हैं। Some of the dam of this region are Mettur Dam on River Kaveri. ये most important है, कौन से river पे कौन सा dam बांधा गया है आप underline करते चलो, मैं पढ़ते जाती हूँ, okay? Some of the dam of this region are Mettur Dam on the River Kaveri. Kaveri नदी पे बांधा गया जो dam है वो है Mettur Dam. Nagarjun Sagar Dam on River Krishna. Krishna नदी पे कौन सा dam है, Nagarjun Sagar Dam. And the Hirakud Dam ऑन रिवर महानदी, और महानदी पर हीराकुंड डैम बांधा गया है। ठीक है, देन दिस रीजन हैज मेनी वाटरफॉल लाइक द जॉक फॉल, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ये देखो आपको पिक्चर भी दिखाई दिया है, ये पिक्चर आपको अच्छे से देखना है क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं, और ये मैं बार बार आपको बताती हूँ। ओके, तो ये जो आपको साइड में पिक्चर दिया है ये जॉक फॉल है, जो कि इंडिया का हाइएस्ट वाटरफॉल है। ओके, क्योंकि आपको तो पता है टेबल लैंड है, जमीन से ऊपर उठा हुआ है एरिया, तो जो बारिश का पानी आता है तब तो ये पहाड़ों से बहते हुए आता है, और यहाँ पे मैनी वाटरफॉल्स है। ठीक है, तो उसमें से है एक जॉक फॉल जो है इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल। द डेक्कन प्लेटू इज रिच इन मैनी मिनरल्स लाइक आयरन, माइका, गोल्ड एंड डायमंड। यहाँ पे डायमंड मिनरल भी पाया जाता है, डायमंड के लिए बड़ा फेमस है। The forest in this region give many valuable product. यहाँ पे जंगले भी हैं, और जंगलों से तो पता है हमें कि बहुत valuable things मिलती है, like teak, rosewood, शीशम, साल and sandalwood. और हमें बहुत ही उपयोगी ऐसे पेड़ की लकड़ियाँ यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो प्लेटूस था हमारा, है ना, सेंट्रल आइलैंड एंड द डेक्कन प्लेटूज। ठीक है, अब यहाँ पे क्विक रिविजन देख लेते हैं, राइट ट्रू फॉल्स। द पेनिनसुलर प्लेटूज इज अ ट्राइंगुलर इन शेप, यस ट्राइंगुलर शेप है ना इसका, यस, तो ये ट्रू है। द सरफेस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज अनइवन एंड रॉकी, हाँ अनइवन है, रॉकी है उसका सरफेस, तो ये भी ट्रू है। देन यमुना इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटूज, नो, यमुना कहाँ से आती है, नॉर्दर्न प्लेन में। यहाँ की मेन रिवर कौन सी है, नर्मदा रिवर, तो ये फॉल्स है, ओके, यमुना नहीं है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द मालवा प्लेटूज, यस मालवा प्लेटू में ब्लैक सॉइल है, और इसलिए कॉटन, ऑयल सीड की फसल वहाँ पे अच्छी होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, which is life of people in the peninsular plateau, we had seen in our next video, okay? तो read करना है आपको lesson अच्छे से, hard words अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कुछ word आपके लिए hard है, तो उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आपको lesson अच्छे से समझ में आए। okay student, तो हम अपने next video में मिलेंगे, thank you।